हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू इंग्लिश किंगडम। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 7, पैकिंग। और पैकिंग आप समझते हैं, पैकिंग जो है कहीं भी जाने से पहले हम पैकिंग करते ही हैं अपने सामान की। पैकिंग आल्सो इज़ एन आर्ट, इट्स नॉट आल्सो एन इजी जॉब। तो बिफोर यू रीड की कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, वो पढ़ लेते हैं फटाफट। डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स, क्या आपको ट्रिप्स पर जाना पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? तो इसके आंसर्स आप अपने आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की ट्रिप्स आपको पसंद हैं। एडवेंचरस ट्रिप्स पसंद हैं या केवल विजिटिंग वाले ट्रिप्स पसंद हैं? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर ए ट्रिप? एक ट्रिप के लिए पैकिंग करना आपको कितना अच्छा लगता है? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन ए ट्रिप? क्या कभी आपको ट्रिप में ऐसा लगा है दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड? क्या आप कुछ ऐसी चीज़ों को पैक करना भूल गए हैं जिनकी आपको बहुत ज़रूरत है और दैट यू कॉन्ट फाइंड दैम ईजीली, और या फिर आपको वो ईजीली नहीं मिल रही हो? ऐसा तो हर आदमी के साथ में होता है, कुछ ना कुछ वो पैक करना या तो भूल जाते हैं और या जिस चीज़ की ज़रूरत जब होती है तब वो नहीं मिलती है। डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? नाउ इट मे डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन, सम आर एंग्री एंड सम लाफ आउट लाउड एंड वाइल सम आर देयर हु बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड आल्सो। कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं, फिर गुस्सा भी निकालते हैं अपने। नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक। तो ये वाला जो लेसन है, एक नॉवल है, थ्री मैन इन ए बॉट, जो पहले जो 9th क्लास में पढ़ाया जाता था उसी में से ये छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिसका नाम है पैकिंग। 10th क्लास में वो नॉवल पढ़ाया जाता था जिसका नाम था थ्री मैन इन ए बॉट, दैट इज रिटन बाय जेरोम ओज़ोरेम। तो लेट्स बिगिन दिस वन। आई सेड आई वुड पैक, मीन्स राइटर ने कहा कि मैं पैकिंग करूँगा, कोई और पैकिंग नहीं करेगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, मीन्स द राइटर इज वेरी मच प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल्स। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग। सो द राइटर फील्स दैट ही नोज मोर देन अदर पीपल अबाउट पैकिंग। राइटर को ऐसा लगता है कि पैकिंग के बारे में वो लोगों से ज़्यादा जानता है। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ, यानी ये मुझे कभी कभी बहुत सरप्राइज करता है कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं काफ़ी दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा जानता हूँ। तो दिस इज़ नथिंग ह्यूमर, ही इज़ मेकिंग फन ऑफ हिमसेल्फ। राइटर अपना खुद का ही मजाक उड़ा रहा है कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस, मैंने ये बात जॉर्ज और हैरिस को बताई, उनके ऊपर इम्प्रेशन झाड़ा, एंड टोल्ड दैम, और उन्हें बताया दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी, कि उन्हें पूरा का पूरा मैटर उस पर छोड़ देना चाहिए। एंटायरली का मतलब कम्प्लीटली, पूरे रूप से। दे फेल इन टू द सजेशन विद अ रेडीनेस, फेल इन टू मीन्स एक्सेप्टेड, उन्होंने बहुत जल्दी मेरे सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। दे रेफर किसको करता है? बाकी दोनों बचे फ्रेंड्स को जो राइटर के अलावा हैं। विद अ रेडीनेस मीन्स फुर्ती से। That had something uncanny about it. And how did the writer feel on that? The writer felt it very strange, very weird. उसे लगा कि ये इतनी जल्दी कैसे मान गए कि मैंने उनको कहा कि पैकिंग मैं करूँगा, तुम कुछ नहीं करोगे। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर, जॉर्ज ने अपने आप को ईजी चेयर में वो पसर गया। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, और हैरिस जो है टेबल के ऊपर अपने लेग्स को कॉक करके बैठ गया। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, द राइटर इज सेइंग दैट this was not the meaning which he wanted. What I had meant of course was that I should boss the job. uska matlab to ye tha ki wo pure work ko supervise karega, lead karega, aur harris aur george jo hain should potter about under my direction, wo uske directions ke under kaam karenge. I pushing them aside every now and then, main unko push karunga thodi thodi der mein, oh you here let me do it, there you are, simple enough, really teaching them, unko bataunga ki packing kaise karni hai. तो दिस वॉज द इंटेंशन ऑफ द राइटर, कि वो पैकिंग करेगा लेकिन पैकिंग का एक तरह से उसको लीड करेगा, बाकी जितने भी लोग हैं वो लोग उसके अंडर में काम करेंगे। लेकिन यहाँ तो बाकी सब लोग तो पसर गए थे, अब सारी पैकिंग उसको ही करनी थी, वो तो फंस गया था पैकिंग का एक तरह से प्रपोजल देकर। देर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, जिस तरह से उन्होंने मेरे प्रस्ताव को, प्रपोजल को लिया था, इस चीज़ ने मुझे बहुत इरिटेट कर दिया। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. मुझे कोई और चीज़ ज़्यादा इरीटेट नहीं करती है जब मैं लोगों को देखता हूँ कि मैं तो काम कर रहा होता हूँ और वो लोग सीधे सीधे बैठे हुए होते हैं। So I lived with a man, मैं एक आदमी के साथ रहता था who used to make me mad that way.
राइटर इज नाउ टेलिंग अनदर स्टोरी. अब राइटर कोई दूसरी कहानी सुना रहा है इस एपिसोड से हटके कि मैं एक आदमी के साथ में रहता था हु यूज टू मेक मी, जो कि मुझे पागल कर देता था इस तरीके से. कैसे? ही वुड लॉल ऑन द सोफा, वो सोफे पे पड़ा रहता है एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाई द आवर टुगेदर, और कई घंटे तक मुझे काम करते हुए देखता रहता. ही सेड इट डिड हिम रियली गुड टू लुक ऑन एट मी. वो उसका क्या कहना था कि उसे इस तरह से लोगों को काम करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था. मैसिंग अबाउट, मैसिंग अबाउट मीन्स वर्क का केओस क्रिएट करते हुए, चीज़ों को डिस्टर्ब करते हुए, मैस करते हुए. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, द राइटर सेज, कि कम से कम मैं उस आदमी जैसा तो नहीं हूँ. वो तो खाली बैठा रहता था, बाकी लोग काम करते रहते थे, जबकि मैं तो क्या चाहता हूँ कि जॉर्ज और हैरिस काम करें और मैं उनको सुपरवाइज करूँ. आई कॉन्ट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग. मैं दूसरे लोगों उस व्यक्ति की तरह नहीं हूँ जो लोगों को गुलाम बनाकर रखूँ और अपना काम कर उनसे काम कराता रहूँ. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपर इंटेंड यानी मैं खुद उठना चाहता हूँ और लोगों के काम को सुपरवाइज करना चाहता हूँ. एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, अपने पॉकेट्स में, अपनी जेब में अपने हाथ डालकर घूमते रहना चाहता हूँ. एंड टेल हिम वाट टू डू, और उनको बताना चाहता हूँ कि उन्हें क्या करना है. इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, ये मेरा एनर्जेटिक नेचर, आई कॉन्ट हेल्प इट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. तो ये जो कम्प्लीट थर्ड पैराग्राफ है, इस थर्ड पैराग्राफ में द राइटर इज टेलिंग अबाउट ए मैन. राइटर यहाँ पर एक आदमी के बारे में बता रहा है जो उसके साथ में था, और उसका उसका क्या पर्पस था. वो हमेशा खुद बिस्तर पर पड़ा रहता था और दूसरे लोगों को काम करते हुए देखना उसकी बहुत अच्छी हॉबी थी. लेकिन राइटर कहता है कि मैं तो जॉर्ज और हैरिस से ऐसा नहीं करवाना चाहता, मैं तो उनके साथ में ही काम करूँगा. कैसा काम करूँगा भाई? उनका सुपरविजन करूँगा, उनको देखूँगा, उनको टीचिंग करूँगा, बताऊँगा कि तुम्हें कैसा काम करना है, पॉकेट में हाथ डाल के उधर घूमूंगा. तो कुल मिला के वो भी कुछ नहीं करेगा. हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, हालांकि फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा. बट स्टार्टेड द पैकिंग, और पैकिंग शुरू कर दी. इट सीम्ड ए लॉन्गर जॉब, ये तो बहुत बड़ा काम था, देन आई हैड थॉट, जितना मैंने सोचा था आई वॉज इट वॉज गोइंग टू बी, जितना मैंने सोचा था कि ये इतना काम होगा टफ, लेकिन ये तो बहुत लॉन्गर और टफ काम था. आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन फिर भी मैंने पैकिंग करके बैग को ख़त्म कर लिया, यानी अपना पैकिंग वर्क ख़त्म कर लिया. आई सेट ऑन इट, उसके ऊपर बैठ गया एंड स्ट्रैप्ड इट, और उसकी चैन को स्ट्रिप कर दिया. स्ट्रैप करने का मतलब उसकी चैन को बंद कर दिया. वाई डिड ही सिट ऑन द बैग, वो बैग के ऊपर बैठा क्यों? बैग के ऊपर बैठा इसलिए क्योंकि बैग को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा भरा हुआ था. आंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस. और जैसे पैकिंग ख़त्म हुई, हैरिस ने सबसे पहले डिस्टर्ब किया, तुम अपने बूट्स अंदर नहीं रखोगे क्या? एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. पर मैंने इधर उधर देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो जूतों को तो भूल ही गया हूँ. देम रेफर्स टू शूज़, दैट इज़ जस्ट लाइक हैरिस. हैरिस की यही बुरी आदत है. ही कुडंट हैव सेड ए वर्ड अंटिल आई हैड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड. जब बैग को मैं बंद कर रहा था, उसकी चैन बंद कर रहा, तब क्या मुझे नहीं बता सकता था वो? ऑफकोर्स. एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जॉर्ज जोर जोर से हंसा. वन ऑफ दोज इरीटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज. मुझे वो उसकी हंसी जो थी वो बहुत इरीटेटिंग, इरीटेट करने का मतलब जो बहुत चिढ़ाती हो, और सेंसलेस लगी. दे डू मेक मी सो वाइल्ड, ये लोग, ये जो लाफ्स हैं ये मुझे बहुत वाइल्ड कर देती हैं, यानी बहुत गुस्सा दिलाती हैं. आई ओपन द बैग, मैंने बैग को खोला एंड पैक द बूट्स इन, और बूट्स को अंदर पैक किया. एंड देन जस्ट एज आई वाज गोइंग टू क्लोज इट, और जब मैं इसको बंद करने जा रहा था, अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी, एक खतरनाक आइडिया मेरे दिमाग में आया. हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपने टूथब्रश पैक किए हैं? आई डोंट नो हाउ इट इज, मुझे नहीं मालूम ये कैसा है, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. लेकिन ऐसा मेरे साथ में अक्सर होता है कि आई डो नॉट नो कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है कि नहीं किया है. राइटर इज सेइंग कि whenever he goes on trips, he has a problem with his toothbrush. Most of the time he forgets, और कभी कभी उसको जब चीज़ चाहिए होती तब उसे मिलता भी नहीं. My toothbrush is a thing, मेरी toothbrush एक ऐसी चीज़ है that haunts me when I am traveling, that gives me trouble, जब वो हमेशा मुझे ट्रबल देती है, यानी मुझे परेशानी में डालती है जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ. एंड मेक्स माई लाइफ ए मिजरी, मिजरी कहते हैं दुख, और मेरी लाइफ को बहुत दुखी बना देती है. आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, मुझे हमेशा लगता है कि मैंने इसे पैक नहीं किया. एंड वेक अप इन ए कोल्ड परस्पिरेशन, और मैं हमेशा, परस्पिरेशन कहते हैं स्वेट, पसीना, और मैं हमेशा ठंडे पसीने से, यानी घबरा कर उठ जाता हूँ कि मैंने इसे पैक किया कि नहीं किया. गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट,
और मॉर्निंग में मैं इसे पैक कर देता हूँ अपने यूज़ करने से पहले, एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और वापस उसको यूज़ करने के लिए मुझे खोलना पड़ता है, एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और ये हमेशा लास्ट चीज़ होती है जो मेरे बैग में से निकलती है, एंड देन आई रीपैक, और फिर मैं इसे रीपैक करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट, और लास्ट मोमेंट पे मुझे ऊपर की तरफ भागना पड़ता है एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन की तरफ लेकर भागना पड़ता है रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ में रैप करके लपेट के. तो इन दिस पैराग्राफ ही वांट्स टू से दैट हिज टूथब्रश इज अ काइंड ऑफ नॉइसेंस थिंग फॉर हिम, एंड इट हाउंट्स हिम एवरीवेयर, समटाइम्स ही फॉरगेट्स, एंड समटाइम्स ही हैज़ टू ब्रिंग इवन फ्रॉम होम व्हेन ही इज़ एट द रेलवे स्टेशन, एंड मैनी टाइम्स ही डज नॉट फाइंड द टूथब्रश इन द बैग व्हेन ही इज़ अर्जेंटली इन नीड ऑफ दैट, देन ही हैज़ टू कैरी आउट, ही हैज़ टू टेक द ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ द बैग आउट एंड देन ही फाइंड्स इट. Of course, I had to turn every mortal things out now, and of course, I could not find it. तो अब यहाँ पर भी उसे टूथब्रश के बारे में टेंशन हो गई, इसलिए उसने टूथब्रश को सर्च करने के लिए सारी चीज़ें जो उस बैग में पैक की थी उसको निकाल दिया, लेकिन वो उसे नहीं मिला. आई रमेज द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट. रमेज का मतलब सर्च्ड इन ए हरीड और केयरलेस वे. मैंने सर्च किया उसको हर मतलब बैग के हर तरीके से, बैग के हर पार्ट में सर्च किया और सभी चीज़ों को इधर उधर बिखेर दिया. दैट दे मस्ट हैव बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड एंड वेन केओस रेन. यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि मैंने सारी चीज़ों को केओटिक कर दिया, जितनी भी चीज़ें थी यू कैन सी हियर, सारी चीज़ों को निकाल के केओटिक कर दिया. ऑफकोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर. मुझे जॉर्ज और हैरिस का जो ब्रश था वो 18 से भी कई बार मिल गया, बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, लेकिन मुझे मेरा नहीं मिला. आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन. मैंने सभी चीज़ों को एक एक करके वापस रखा एंड हेल्ड एवरी थिंग अप एंड शूक इट. और सभी चीज़ों को आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन एंड हेल्ड एवरी थिंग अप एंड शूक इट. मैंने सभी चीज़ों को एक एक करके रखा और उन्हें हिला हिला कर देखा, उन्हें झाड़ झाड़ कर देखा. देन आई फाउंड इट इन साइड ए बूट. तब मुझे ये मेरा ब्रश एक बूट के अंदर घुसा हुआ मिला. आई रीपैक्ड वंस मोर. और अब मैंने वापस दोबारा पैकिंग कर दी. व्हेन आई हैड फिनिश, जब मैंने ख़त्म कर दी पैकिंग, जॉर्ज आस्क्ड, जॉर्ज ने पूछा इफ द सोप वाज इन, कि क्या मैंने साबुन डाला कि नहीं डाला. आई सेड आई डिड नॉट केयर ए हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाज नॉट. मैंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी सोप की परवाह नहीं है, अंदर है या बाहर है आई डू नॉट नो, एंड आई स्लैम्ड द बैग शट. और मैंने बैग को बंद कर दिया एंड स्ट्रैप्ड इट एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट. और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे स्पेक्स तो अंदर ही रह गए, एंड हैड टू री ओपन इट. और मुझे दोबारा बैग को खोलना पड़ा. इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM. और फाइनली मैंने मेरे बैग को 10:05 पर बंद कर दिया, एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू. और अब हैम्पर्स की पैकिंग बाकी थी. हैम्पर्स कहते हैं लार्ज बास्केट्स फॉर कैरिंग फूड. हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम, एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू द रेस्ट, एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड ए गो. हैरिस ने कहा कि क्योंकि उन्हें 12 घंटे से कम समय में भी रवाना होना है, इसलिए उसका ये मानना है कि उसे रेस्ट करना चाहिए, और जो ये उसका फ्रेंड है वो दोनों मिलकर बाकी की पैकिंग करेंगे. दे हैड ए गो. और राइटर उस पर एग्री हो गया, और दे हैड ए गो का मतलब दे स्टार्टेड देयर वर्क. दे बिगेन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट. उन्होंने बड़ा ईजिली धीरे धीरे काम करना शुरू किया, एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो, बिकॉज दे वॉन्टेड टू लीव एन इम्प्रेशन ऑन मी दैट हाउ टू डू द वर्क. क्योंकि वो मुझ पर वर्क कैसे करते हैं कि किसका एक इम्प्रेशन छोड़ना चाहते थे, पैकिंग कैसे करते हैं उसका एक इम्प्रेशन छोड़ना चाहते थे. आई मेड नो कॉमेंट. मैंने कोई कॉमेंट नहीं किया. आई ओनली वेटेड. मैंने सिर्फ इंतजार किया. विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड. द राइटर वॉन्ट्स टू से कि जॉर्ज को छोड़ दें तो हैरिस तो बहुत बुरा पैकर है इस दुनिया का. एंड आई लुकड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स. और मुझे प्लेट और कप, कैटल बॉटल जार पाइज और स्टोव और केक और टोमेटोज के पाइल्स दिखाई दे रहे थे, जिन्हें उस हैम्पर के अंदर पैक किया जाना था. हैम्पर का मतलब बास्केट के अंदर पैक किया जाना था. एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग. और उसे भी लगा कि अभी कुछ देर में ये सारी की सारी चीज़ें बहुत एक्साइटिंग होने वाली हैं और यहाँ पर कुछ ना कुछ हंगामा क्रिएट होगा.
इट डिड, और ऐसा हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप, सबसे पहले उन्होंने एक कप तोड़ दिया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग डेली, ये वो पहली चीज थी जो उन्होंने की। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वट दे कुड डू, ये सिर्फ उन्होंने दिखाने के लिए किया कि वो क्या कर सकते थे, एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और आपका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ ए टमेटो, तब हैरिस ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी जैम का जो पैकेट था उसे टमेटो के ऊपर पैक कर दिया एंड स्क्वैश्ड इट, और उसका परिणाम क्या हुआ, जो टमाटो थे वो स्क्वैश हो गए, दब गए, एंड दे हैड टू पिक आउट द टमेटो विद अ टीस्पून, और एक चम्मच से सारे टमेटो को बाहर निकालना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, फिर जॉर्ज की बारी आई, एंड ही ट्रोड ऑन द बटर, और वो बटर के ऊपर स्टेप ऑन कर गया, यानी उसके ऊपर बटर के ऊपर उसने पैर रख दिया। आई डिडेंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम, मैं तो बस टेबल के एज पर आकर बैठ गया। आप देख सकते हैं एज इसी को कहते हैं, यहाँ पर बैठा हुआ है राइटर, एंड दे बोथ आर डूइंग, जॉर्ज एंड हैरिस आर डूइंग द पैकिंग, एंड ऑल द थिंग्स आर मैसिंग हियर, एंड जॉर्ज ट्रॉड ऑन द बटर, ये देखो बटर के ऊपर उसने पैर रख दिया। इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनी थिंग आई कुड हैव सेड, तो ये चीज जो है उनको इरिटेट करने लग गई, यानी उनको गुस्सा आने लग गया। आई फेल्ट दैट इट मेड दैम नर्वस एंड एक्साइटेड, वो नर्वस भी हो गए और काफी एक्साइटेड भी हो गए, एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, अब वो चीजों के ऊपर स्टेप ऑन करने लग गए, एंड पुट थिंग्स बिहाइंड दैम, एंड देन कुडंट फाइंड दैम वेदर दे वॉन्टेड वेन दे वॉन्टेड दैम, और चीज़ों को इधर उधर रखने लग गए, और जब उन चीज़ों की उसे ज़रूरत थी तब वो चीज़ें उनको नहीं मिलती। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, और उन्होंने पाइज को बॉटम में पैक कर दिया, एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और उसके ऊपर भारी भारी चीज़ें रख दी, एंड स्मैश द पाइज इन, और सारी पाइज जो थी वो स्मैश हो गई। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरी थिंग, साल्ट यानी नमक को उन्होंने जगह जगह बिखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर, आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद वन एंड टू पेंस वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। द राइटर वांट्स टू से कि बटर के साथ में उन्होंने जो कुछ किया वैसा उसने कभी नहीं देखा था। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जॉर्ज ने जब बटर को अपने स्लीपर से उतारा, दे ट्राइड टू पुट इट इन द कैटल, उन्होंने उसे कैटल में रखने की कैटल में डालने की कोशिश की। इट वुडंट गो इन, लेकिन ये कैटल के अंदर गया नहीं कि बहुत ज़्यादा था, और कैटल की जो नेक थी वो बहुत टाइट थी, एंड वट वॉज इन वुडंट कम आउट, और जो अंदर गया हुआ था वो बाहर नहीं आ रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, उन्होंने फिर उसके बाद में उस बटर को चेयर पर रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट, और हैरिस गलती से उस बटर के ऊपर बैठ गया, एंड इट स्टक टू हिम, और ये उसके पीछे चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो ढूंढने लग गए उसको कमरे में इधर उधर। आई विल टेक माई ऑथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेट जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, जॉर्ज ने कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उसे उस चेयर पर रखा था, उसने एम्प्टी सीट की तरफ देखा। अब सीट एम्प्टी इसलिए हो गई थी क्योंकि वो पीछे की तरफ उसके लग गया था। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट अगो, सेड हैरिस। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, उन्होंने पूरे कमरे में ढूंढना शुरू कर दिया। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर, और फिर वो सेंटर बीचों बीच मिले, एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि बटर कहाँ गया, सो मिस्ट्रियस, हैरिस ने भी कहा कि तो बड़ा रहस्यमय है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस, तब जॉर्ज हैरिस के पीछे गया और उसने वो देखा। वाई हियर इज इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली, इंडिग्नेंटली का मतलब बड़े हैट्रेड तरीके से, क्यों उसने हैट्रेड क्यों दिखाई, क्योंकि वो उसके पीछे चिपका हुआ था। वेयर क्राइड हैरिस, हैरिस ने कहा कहाँ मिला तुम्हें, स्टैंड स्टिल, तुम सीधे खड़े रहो, जॉर्ज चिल्लाया, फ्लाइंग आफ्टर हिम उसके पीछे गया, एंड दे गॉट इट ऑफ, और उन्होंने उस बटर को वहां से उतारा, एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और टी पॉट में उसे पैक किया। अभी एक कैरेक्टर और आना बाकी था, वो था मॉन्टमोरेंसी, जो कि उनका डॉग था। मॉन्टमोरेंसी वाज इन इट ऑल ऑफ कोर्स, मॉन्टमोरेंसी एम्बिशन इज लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न इट, मॉन्टमोरेंसी की जीवन में एक हमेशा एक एम्बिशन रही है कि वो लोगों के काम में टांग अड़ाता है और फिर डांट खाता है, बी स्वॉर्न एट मतलब डांट खाता है। तो ये एक ह्यूमरिस्टिक लैंग्वेज है, ये है एक सेटायरिस्टिक लैंग्वेज है, जिसमें राइटर इज मेकिंग ए फन ऑफ मॉन्टमोरेंसी, मेकिंग ए सेटायर ऑन मॉन्टमोरेंसी। इफ ही कैन स्वर्न इन एनी वेयर वेयर शी पर्टिकुलर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वॉन्टेड एंड बी अ परफेक्ट नोइसेंस एंड मेक पीपल मेड एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, यानी अगर वो इधर उधर भागता है
जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती है, और अगर वहाँ परेशानी क्रिएट करता है, लोगों को पागल करता है, और उसके बाद में उसके सिर पर अगर चीज़ें मारी जाती जैसे ये यहाँ पर मार रहा है, तब उसे लगता है कि उसका दिन कंप्लीट हुआ है। तो अगेन द राइटर इज मेकिंग ए फन ऑफ मॉन्टमोरेंसी। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर इज द हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट। उसके ज़िंदगी का एक ही उद्देश्य है कि लोग उससे उलझें और उसको घंटे घंटे भर तक गालियां दें। एंड वेन ही हैज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, और जब उसका ये टास्क पूरा हो जाता है, हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबेरेबल, यानी उसका जो प्राइड है वो कंप्लीट हो जाता है और वो अपने आप को बड़ा प्राउड फील करता है लोगों को परेशानी देने में और लोगों से डांट खाने में। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, तो उसकी कमी थी वो भी आ गया और चीज़ों के ऊपर बैठ गया। जस्ट वेन देवर वॉन्टेड टू बी पैक्ड, जब उन्हें पैक किया जाना था। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ, और उसके दिमाग में एक ही फील बिलीव था दैट वेन एवर हैरिस एंड जॉर्ज रीच आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, कि जब कभी हैरिस और जॉर्ज अपना हाथ किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ाते थे, इट वॉज हिज कोल्ड डॉम डैम्प नोज। तो ये केवल उसका जो कोल्ड डैम्प गीला जो नोज है उसके लिए हाथ बढ़ाते थे, तो जैसे ही वो हाथ बढ़ाते थे वो अपना नोज आगे करता था। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम, अब उसने जैम के अंदर अपना अपनी पैर रख दिया। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, और टी स्पून्स को उसने डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब करने का मतलब बिखेर दिया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेट्स, और वो ऐसा प्रिटेंड करने लग गया जैसे कि नींबू जो है वो चूहे हैं। एंड गॉट इन टू द हैम्पर, और हैम्पर के अंदर घुस गया। एंड किल्ड थ्री ऑफ दैम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, यानी उसने तीन नींबुओं को ख़त्म कर दिया ये मानकर कि ये चूहे हैं, और अगला खत्म कर पाता इससे पहले हैरिस जो है उसके ऊपर टूट पड़ा फ्राइंग पैन से। ये देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये हैरिस फ्राइंग पैन से उसके ऊपर टूट पड़ा। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि मैंने उसे मोटिवेट किया, किसको, मॉन्टमोरेंसी को। आई डिडंट एनकरेज हिम, द राइटर सेज कि उसने कभी उसे मोटिवेट नहीं किया। अ डॉग लाइक दैट डज नॉट वांट एनी एनकरेजमेंट, एक डॉग जो इस तरह का डॉग होता है उसे किसी तरह का एनकरेजमेंट नहीं चाहिए होता। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम एंड मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। द राइटर सेज कि ऐसे डॉग्स के अंदर ऐसी चीज़ें नेचुरल और ओरिजिनल होती हैं, नबडी कैन मोटिवेट दैम। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, पैकिंग 12:50 पर ख़त्म हो गई। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, और हैरिस बड़े से हैम्पर के ऊपर जिसमें पैकिंग हुई थी उसके ऊपर बैठ गया। एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और ऐसा बोलने लग गया कि कोई भी चीज़ उसे उम्मीद है कि टूटेगी नहीं। अब जब बैठ ही गया है तो टूटनी तो मुश्किल, टूटनी तो है ही है। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। अब सारे लोग थक गए थे तब सब लोगों को सोना था। वी टॉस्ड फॉर बेड्स, हम बेड्स की तरफ गए। हैरी सेड टू स्लीप एंड हैरी सेट टू स्लीप विद मी, और हैरिस को मुझे मेरे साथ में सोना था। ही सेड डू यू प्रिफर द इनसाइड और द आउटसाइड, यानी तुम अंदर सोना चाहोगे या बाहर। आई सेड आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इन साइड अ बेड, हैरिस सेड इट वॉज ऑड। जॉर्ज सेड वट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, फिर उनके बीच में डिस्कशन हुआ कि कितने बजे उनको जागना है। हैरिस ने कहा 7, फिर दूसरे ने कहा 6, क्योंकि उसे कुछ लेटर्स वगैरह लिखने थे। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ रो ओवर इट, रो मीन्स डिस्प्यूट, थोड़ा बहुत हैरिस और मेरे बीच में कुछ डिस्प्यूट होने का मतलब ये है कि आर्ग्यूमेंट हुआ, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस, लेकिन फिर लास्ट में हमारे डिफरेंस सेटल आउट हो गए और दोनों एग्री हो गए कि हम 6:30 बजे जगेंगे। वेकस एट 6:30 जॉर्ज, ही वी सेड, हमने जॉर्ज को कहा कि हमें 6:30 बजे जगा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन असलीप फॉर सम टाइम, और जब हमने देखा तो वो सो चुका था। सो वी प्लेस द बाथ वेयर वी कुड टम्बल इन टू इट एंड गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवर सेल्स। इसलिए हमने क्या किया कि उसके बिस्तर के पास में एक बाथ टब लगा दिया, तो जैसे वो उठेगा उसके अंदर गिरेगा और गिरेगा और तो उससे जोर से आवाज़ आएगी और वो उस तरह से जागने में एबल हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने ये सब किया था। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस स्टोरी पैकिंग, इट्स अ वेरी गुड ह्यूमरिस्टिक स्टोरी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू।